नमस्कार फ्रेंड, SMT चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज आपके लिए 3 बेस्ट माइक्रो कैप स्टॉक्स आपके सामने मैं लेके आया हूं। ये स्टॉक्स नॉट ओनली फंडामेंटल स्टॉक्स है, डेट फ्री है और बहुत ही अच्छा इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस में मेंटेन कर रहा है। एवरी ईयर में कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है, जो कि वेरी गुड साइन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो ये कौन सा स्टॉक्स है, इस 3 कंपनी पे आप माइक्रो कैप जो स्टॉक्स है, इस स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स पर्पस, इन्वेस्टमेंट पर्पस। और ये कोई फालतू का स्टॉक्स नहीं है, जैसे बहुत सारे चैनल में आपको मिल जाएगा देखने के लिए फॉर व्यूज एंड सब्सक्रिप्शन के लिए। कुछ भी स्टॉक्स बोल दिया और इटल इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाता है। बट मैं आपके लिए रिसर्च करके जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है, जो डेट फ्री है और उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा देता है, कंपनी ग्रो कर रहा है कंपनी सेल्स, वही स्टॉक्स आपके लिए मैं चुन चुन के लेके आता हूँ। तो जो देखिए फर्स्ट स्टॉक्स से आपके स्क्रीन पर है वो है आदित्य बिरला मनी लिमिटेड। तो ये स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। स्टॉक्स का जो 52 वीक लो प्राइस था 33 रुपीज़ था और 52 वीक इसका जो हाई प्राइस है आप देख सकते हो उसके स्क्रीन पर, वो है 63 रुपीज़। और इसका जो डे लो आज 56 रुपीज़ था, डे हाई 57.87। बहुत ही बढ़िया इसका रिटर्न आप देख सकते हो, एक साल में पेनी स्टॉक्स है 57.15। बट ये पेनी स्टॉक्स नहीं बताऊंगा मैं, इसको मैं माइक्रो स्टॉक्स बताऊंगा। इसका रिजल्ट अगर देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, इतना अच्छा इसका टेक्निकल एंड इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो इसका सेल्स इंडस्ट्रीज एवरेज कितना परसेंटेज इसका हाई हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 64% से भी ज़्यादा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंडस्ट्री एवरेज से भी इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो बेहतरीन स्टॉक्स है ये स्टॉक्स, आप लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर सकते हो। बहुत ही अच्छा स्टॉक्स, ये स्टॉक्स बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक्स आपके लिए मैं चुन के लेके आया हूँ। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न ये स्टॉक्स में मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स है मेडिकैप्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का जो कैप्सूल होता है, वो कैप्सूल जो खाली डिब्बा होता है, वो खाली डिब्बा ये कैप्सूल बनाने का काम करता है ये कंपनी मेडिकैप्स। तो बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है कैप्सूल का जो डिब्बा होता है वो डिब्बा मैन्युफैक्चरिंग करता है। काफ़ी अच्छा इसका निश प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग का, आप देख सकते हो एक साल में 290% का रिटर्न ये कंपनी जनरेट किया है। 52 वीक्स हाई था 9 रुपीज़ ओनली, ये स्टॉक्स का प्राइस 9 रुपीज़ था और आज ये बढ़ के आप देखिए 51 रुपीज़ तक चला गया 52 वीक हाई का। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है माय फ्रेंड, इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो तो ये अनदर मल्टी बेगा स्टॉक्स बन सकता है। इसका अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊँ आपको, देखिए सेल्स एवरेज इंडस्ट्रीज ऑफ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंडस्ट्रीज भी ऑफ है। हालांकि सेल्स एंड PAT पर थोड़ा असर पड़ा है फॉर COVID-19 सिचुएशन के वजह से, बट ओवरऑल बहुत ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कंपनी का नाम है मेडिकैप्स लिमिटेड। जो लास्ट वाला जो स्टॉक्स है वो है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का स्टॉक्स। ये डिजिटल जो एडवर्टाइजमेंट होता है इसका रिलेटेड एक कंपनी है, काफ़ी अच्छा इसका निश प्रोडक्ट है। आप देख सकते हो इसका जो 52 वीक्स लो प्राइस था 4 रुपीज़ ओनली था और इसका जो 52 वीक हाई था 27 रुपीज़ तक चला गया था। बेहतरीन स्टॉक्स, एक साल में 203% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और कंपनी का अगर फाइनेंशियल डेटा अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कंपनी का जो लेवल की लेवल इसका है रेजिस्टेंस, अभी 25.80 रुपीज़ है। और इसका मैं प्रॉफिट और लॉस दिखाऊँ तो आप देख सकते हो सेल्स इसका 2.50% है, सेल्स इंडस्ट्री एवरेज 64% से ज़्यादा है। पैट इसका डाउन है बट ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि माइक्रो कैपिटल स्टॉक्स में इतना तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। पैट इंडस्ट्री एवरेज आप देखिए 50% के करीब है और कंपनी का सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट भी बहुत अच्छा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी बहुत ही अच्छा इसका नीस प्रोडक्ट यहाँ पे ब्राइटकॉम ग्रुप का जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट इसका मार्केटिंग है वो बहुत ही बढ़िया है और इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिलने का बहुत बड़ा चांस है। तो ये था 3 जो मल्टी कैप स्टॉक्स आपके लिए, 3 स्टॉक्स मैं लेकर आया हूँ।
तो आप चाहो तो आप भी रिसर्च करके स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में आप निवेश कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। धन्यवाद।